हेलो स्टूडेंट्स हावर आर गुड बच्चो वेरी गुड सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर न्यू चैप्टर नेम इज द स्ट्रगल ओके स्ट्रगल क्या होता है मेहनत करना ओके सो स्ट्रगल मेहनत फर्स्ट वर्ड इज हेयर विसिनिटी तो विसिनिटी क्या होता है बच्चे आसपास का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं विसिनिटी प्रोपेंटली तो प्रोपेंटली मतलब होता है कि जो चीज आप जेनवन तरीके से नहीं मानते तो उसको प्रोमेंटली बोलते हैं कि आप इसको इस वे में भी समझ सकते हैं कि जो चीज नॉट श्योर होती है और कई बार डिनाई भी कर दी जाती है मना भी कर दी जाती है तो वो भी इस कैटेगरी में रख सकते हैं होता है फुलफिल करना किसी चीज को पूरा करना क्लोसेट क्लोसेट का बच्चे इस चैप्टर के अंदर जो वर्ड यूज हुआ है वो है कि हम कभी वॉल के अंदर दीवार के अंदर कोई चीज एरिया ऐसा बना देते हैं जहां पर हम चीजों को स्किप कर पाए रख पाए तो उसको बोलते हैं क्लोसर बोर्डिंग बोर्डिंग मीन्स होता है हॉस्टल ओके सो लेट्स बिगिन बच्चों दिस इज द स्टोरी ऑफ बुकर टी वॉशिंगटन हु वेंट टू द बिकम अ वेल नोन एडुकेशनलिस्ट इट टेल्स व्हाट डिफिकल्टीज ही फेस्ड इन गेटिंग एजुकेशन ही वॉज बोर्न ऑफ वेरी पुअर पीरियड्स एज अ यंग चाइल्ड एंड यूथ ही हैड टू वर्क इन अ coal mines and others house and had also to work hard as a janitors as a students but he continued to struggles which brought him success in life he never bored in the face of difficulties here is a story of the difficulties he faced in reaching his first course 500 miles away getting admission and sustaining there while he had no money or clothes or support तो so, ये स्टोरी स्टार्ट हो रही है बच्चे किससे रिलेटेड है ये स्टोरी है बुक एट वाशिंगटन से बेस्ड है ओके okay? अब वो जो कौन थे बच्चे तो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे पहले इनकी स्टार्टिंग से ही स्टोरी देख लेते हैं क्या है जो किस नाम से जाने थे वेंट ऑन अ बिकम अ वेल नोन एजुकेशनलिस्ट है जो एक बोल सकते हैं ना शास्त्री या इस तरह से जो इसको नॉलेज है बहुत ज़्यादा एजुकेशनिस्ट बोला जाता है तो वो थे ये और उन्होंने बहुत सारी डिफ़िकल्टीज को फेस्ड किया कि एजुकेशन लेने के लिए क्योंकि उनको तो पढ़ना था आगे बढ़ना था तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की उन्होंने अपने अपनी लाइफ जर्नी को कंप्लीट करने के लिए वो एक पुअर पेरेंट्स के यहाँ पैदा हुए थे बच्चे और यंग चाइल्ड थे एंड यूथ ही हैड टू वर्क इन कोल माइंस कोल माइन क्या होती है कोयले की जो खदानें होती हैं बच्चे वहाँ पर भी उन्होंने काम किया था इवन वो अदर्स के घर पर मतलब दूसरे लोगों के घर पर भी वो काम करते थे जो इस तरह से वो गरीबी में रहते थे और गरीब रहने की वजह से लेकिन उनको एक लालसा थी बेशक वो गरीब थे लेकिन वो चाहते थे कि वो अच्छे से एजुकेशन को प्राप्त कर पाएं स्ट्रगल करते हुए अपनी लाइफ में जो उनका गोल है उसको अचीव कर पाएं और उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं किया कि इस चीज़ को हटा दिया कि नेवर बॉर्न इन द फेस ऑफ डिफ़िकल्टीज कि वो कभी भी डिफिकल्टीज़ को फेस करते हुए भी आगे बढ़ने की हमेशा उनके अंदर लालसा रही ये नहीं हुआ कि चलो भाई प्रॉब्लम आ गई है डिफ़िकल्टीज आ गई है अब इसी को फेस करके और इसी का एक्सक्यूज लेकर हम चीज़ों को क्विट कर दें नहीं उन्होंने इवन इन डिफ़िकल्टीज को फेस करते हुए वो कहाँ पहुँचे अपने स्कूल में ठीक है और स्कूल कितना दूर था उनसे फाइव माइल्स अवे जहाँ पर उन्होंने एडमिशन लिया फिर उनके पास ना तो पैसे थे ना ही कपड़े थे और ना ही किसी का सपोर्ट था तभी भी वो पढ़ाई के लिए इतनी दूर जाकर अपनी एडुकेशन को हमेशा लेना ही चाहते थे देन वन डे वाइल वर्किंग इन द कैलमाइज ही कम्स टू नो अबाउट द देंटन नॉर्मल एंड एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट इन वेजेनिया मेन फॉर द ब्लैक पीपल्स एंड ही डिसाइड्स टू ज्वाइन इट वन डे नाउ रीड इन दिस ओन वर्ड्स

जबकि उनको कोई आइडिया नहीं था कि कहाँ पर स्कूल था कितने माइल्स दूर था यहाँ से कैसे वो पहुँच पाएंगे तो उनको ऐसी कोई चीज़ें रिमेंबर नहीं थी ओनली दैट आई वॉज ऑन फायर कॉन्स्टेंटली विद वन एम्बिशन मतलब बस मेरे को एक ही एम्बिशन था कि मुझे किसी तरह वहां पर पहुंचना है to to मतलब हमेशा दिन रात में उसी के बारे में सोचता रहता था कि किस तरह से मुझे वहां पहुंचना है और किस तरह से मुझे अपने एडुकेशन पर काम करना है देन आफ्टर हियरिंग ऑफ द हेम्पटन इंस्टीट्यूट आई कंटिन्यू टू वर्क फॉर अ फ्यू मंथ लॉन्गर इन द कोल माइज एंड देन आई वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्प इन द हाउस होल्ड ऑफ जनरल रोइस रोफनर्स एंडिया ऑफ जनरल हैड रेपुटेशन ऑल दो दिटी ऑफ बींग वेरी स्टिक्स विद हर सर्वेंट्स एंड स्पेशली विदयज हुई टू सर्व हर अब ये सब सुनने के बाद आफ्टर हियरिंग ऑफ द हेम्पटन इंस्टीट्यूट के बारे में उन्होंने सुना अब वो कंटिन्यूड उस पर काम तो करना चाह रहे थे मतलब वो इसी बारे में सोच रहे थे कि कैसे क्या करना चाहिए तो कंटिन्यूड वो अपना काम भी करते जा रहे थे क्योंकि गरीब थे अब काम नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे पढ़ेंगे नहीं तो कैसे अपने सपना पूरा कर पाएंगे तो बहुत सारे वो एम्बिशियस व्यक्ति थे मतलब उनको अपना एम्बिशन पूरा करना ही था तो कंटिन्यूड वो उसके लिए वो काम कर ही जा रहे थे फॉर अ फ्यू मंथ्स लॉन्गर इन द कोल माइन एंड देन आई वर्क एज अ डोमेस्टिक हेल्प में भी वो काम करने लग गए घरों में भी काम करते थे और जहां पर वो काम करते थे बच्चे तो वो घर था जनरल लोइज रेफनर का ठीक है और उनकी वाइफ का नाम था वॉयिया रफनर्स जो उनकी वाइफ थी जनरल रफनर की वाइफ थी ठीक है रेपुटेशन ऑल दो दैसिनिटी फॉर बींग वेरी स्ट्रिक्ट विद हर सर्वेंट्स लेकिन वो क्या थी अपने सर्वेंट्स के लिए बहुत स्ट्रिक्ट थी होता है ना कि थोड़ा सा सर्वेंट को लेकर स्ट्रिक्ट होना ऐसे काम करना है वैसे काम करना हमेशा डांटना फटकारा तो ये चीजें उनके साथ थी स्पेशली बॉयज़ और बॉयज के साथ तो सबसे ज्यादा ही वो ऐसे ट्रीट करती थी उनको फ्यू ऑफ them had remained विद हर मोर देन two और three वीक्स They all left with the same excuses. She was too strict. I decided, however, that I would rather try Mrs. Ruffner's house than remain in the coal mine. I was hired at a salary of $5 per month. अब कुछ टाइम के बाद वो वहाँ पर तो काम कर ही रहे थे ठीक है देन रिमेन विद हर मोर देन टू और थ्री वीक्स तक वो काम कर रहे थे अब वहाँ पर वो सोच रहे थे दे ऑल लेफ्ट विद सेम एक्सक्यूज मतलब सबने ही कि वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, ऐसा बहाना मार के और सबने वहाँ से काम छोड़ दिया था तो मैंने भी ऐसे ही सोचा कि मैं अभी ऐसा ही करता हूँ मैं यहाँ से काम छोड़ देता हूँ देट आई वुड रादर ट्राई मिसिज रफ नर्स हाउस देन रिमेन इन द कोल माइंड ठीक है तो मैंने ऐसे सोचा कि क्यों ना मैं यहाँ पर काम करने लग जाऊँ क्योंकि यहाँ पर वो अभी काम कर नहीं रहा था बच्चे और अदर्स के घर में काम कर रहा था ये हमारी लाइन यहाँ पर डिफरेंशिएट हो रही है कि उसने सोचा आई डिसाइड हाउ एवर दैट आई वुड रादर ट्राई मिसिज रफ नर्स हाउस देन रिमेन इन द कोल माइंड कि कोल माइन को मैं छोड़कर और इनके घर पर ही काम करने लग जाऊँ

kept clean about her that she wanted things done permanently and systematically and that at the bottom of everything she wanted absolute honesty and frankness nothing must be sloven or slipshod every door every fence must be kept in repair what i learnt with her has been a guiding lesson for me all my life she also gave me an opportunity to go to school for an hour in the day during winter months but most of the studying was done at night, sometimes alone, sometimes under someone whom I could hire to teach me. It was while living with her that I began to get together my first library. I secured a dry goods box, knocked out one side of it, put some shelves in it, and began putting into it every kind of book that I could get my hands upon, and called it my library. सो so, उसके बाद क्या होता है बच्चे अब वो वहाँ पर काम करने के लिए चला जाता है ठीक है अब वहाँ पर काम करने के लिए जाता है तो वो देखता है वो भी वो काफी स्ट्रिक्ट है ठीक है अब वो हर चीज़ को क्लीन चाहती है हर चीज़ को रिपेयर करवाना चाहती है प्रॉपर तरीके से काम लेती है तो सब चीज़ें चल रही थी लेकिन उसके बावजूद भी क्या करती है आई सून बिगेन टू लर्न इट और जल्दी से उसने सीख लिया था जो वो काम चाहती थी एंड वॉन्टेड एवरी थिंग कैप्ट क्लीन अबाउट हर शी वॉन्टेड थिंग्स डन प्रोमेंटली और सिस्टमेटिकली हर चीज को प्रॉपर तरीके से मैनेज करा के रखती थी देन बॉटम ऑफ शी ऑनेस्टी एंड ठीक है उसके अंदर क्या चीज़ें थी कि वो चाहती थी ऑनेस्टी रखे और फ्रेंकनेस रखे नथिंग मस्ट बी स्लोवन और स्लिप शॉर्ट ऐसा नहीं होना चाहिए और हर एक दरवाजा हो गया फैंस हो गया मस्ट बी कैप्टन रिपेयर हु और जहां पर मैंने बहुत सारी चीजें सीखी उनसे ठीक है गाइडिंग लेसन सीखे फॉर मी ऑल माई लाइफ जो मेरी पूरी लाइफ में मुझे काम आ गए और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी किस चीज की अपॉर्चुनिटी की टू गो टू स्कूल फॉर एन आर इन द डे कि मैं दिन में एक घंटा स्कूल में जा सकता हूं ड्यूरिंग विंटर मंथस लेकिन मेरी जो पढ़ाई होती थी वो ज़्यादातर पढ़ाई मैं रात को ही करता था अकेला होता था अपना अकेला आराम से बैठ वहीं पर मैं सब चीज़ों को सीखता रहता था सम वन होम आई कुड हायर टू टीच मी और किसी ने उसको क्या किया बच्चे उसको पढ़ाने के लिए उसने किसी को हायर भी कर लिया था और वहाँ पर वो आराम से पढ़ता था वहीं पर उसने अपनी छोटी सी लाइब्रेरी बना ली वहीं पर वो अपनी बुक्स को सब चीज़ें वहीं पर अपने सिक्योर रखता था और वहाँ पर वो कहलाई उसकी छोटी सी लाइब्रेरी सो नॉट विस्टैंडिंग्स माई सक्सेस ऑफ mrs. ruffner's, i did not give up the idea of going to the hampton institute. in the fall of 1872 i determined to make an effort to get there. although i had no definite idea of the directions in which hampton was, or of what it would cost to go there, i prepared to go with assistance of my family members and neighbors. अब वहां पर क्या होता है बच्चे अब वो वहां पर रहने लग जाता है अब उसको तो अपनी सक्सेस का देखना था ना कि मुझे किस तरह से सक्सेस होगी सो नॉट विद स्टैंडिंग माई सक्सेस एट मिसिज रफनर्स आई डिड नॉट गिव अप द आइडिया ऑफ गोइंग टू हैम्पटन इंस्टीट्यूट किस तरह से वहां पर पहुंचा जाए अब यहां पर 1872 आ चुका था और मैं तो पूरा प्रो यहाँ पर बताया गया है बच्चे उसके बारे में कि मैं पूरा डिटरमाइंड था कि मुझे कैसे एफर्ट डालना है उसके लिए ओके प्रॉपर तरीके से हैम्पटन के अंदर जाना है तो ये जो मेरा आइडिया ऑफ डायरेक्शन था जिसके कारण इन विच हैम्पटन वॉज और ऑफ व्हाट इट वुड कोस्ट टू गो देयर और मुझे क्या क्या कोस्ट इसके लिए देनी पड़ेगी तो मैं इसके लिए पूरा रेडी था

Go hungry often and be at others' mercy for food and shelter. I even worked at a port to pay for the part of my travel. Anyhow, I reached Hampton after a journey extended well over several weeks. To me, it had been a long, eventful journey, but the first sight of the large three stories brick school building seems to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. And it, it seemed to me to be the largest and most beautiful building I had ever seen. The sight of it seemed to give me a new life. I felt that a new kind of existence had now begun. That life would now have a new meaning. I felt that I had reached the promised land and I resolved to wreck the obstacle prevents me from putting for the highest effort to fit myself to accomplish the most good in the world. अब यहाँ पर क्या दिख रहा है बहुत सारी मुसीबतों का उसका सामना करना पड़ा और वो कभी कभी ट्रेन में सफर करता था कभी बस में करता था कभी स्टेज कोचिज पर और कभी हिच हाइक पर तो इस तरह से वो हमेशा अपनी जर्नी को कभी कभी भूखा भी रहता था ठीक है उसका पेट बिल्कुल खाली रह जाता था सो नहीं पाता था परेशान हो जाता था दूसरों अगर दूसरे उसको खाना देते थे उनकी मर्सी पर मर्सी मीन्स क्या होता है बच्चे दया पर ठीक है तो उसके दया भाव पर ही वो हमेशा निर्भर रहता था कि कोई उसको शेल्टर देगा फूड देगा तो ही वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ा पाएगा तो इस तरह से वो हमेशा काम करते हुए अपने ट्रेवल को कम्प्लीट करता चला गया और फाइनली वो कहा पहुंच गया रिस्ड हेम्पटन आफ्टर अ जर्नी एक्सटेंडेड वेल ओवर सेवरल वीक्स तक उसकी जर्नी चलती रही देन उसकी जो इवेंटफुल जर्नी थी वो कैसी थी काफी लार्ज थ्री स्टोरी अब वहां पहुंचकर देखता क्या है बट द फर्स्ट साइड ऑफ द लार्ज थ्री स्टोरी ब्रिक्स स्कूल बिल्डिंग सीम टू हैडेड मी फॉर ऑल दैट आई हैड अंडरगोन इन ऑर्डर टू रीच द प्लेस कि जहां पर मैं चाहता था जिस प्लेस पर पहुंचना अब मैं वहां पर फाइनली पहुंच चुका था और वो कितनी अच्छी नजर आ रही थी इट सेम टू मी टू बी द लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल बिल्डिंग जो उसने कभी देखी ही नहीं थी ऐसी वो साइड पर पहुंच चुका था और ये उसके लिए एक नए लाइफ का एक्सपीरियंस था जो उसने सोचा था काइंड ऑफ एक्सिस्टेंस हैड नाउ बिगन अब उसकी एक नई शुरुआत हो चुकी है लाइफ की और इसलिए वो अपने आप को पूरा प्रॉपर तरीके से मोटिवेट करता रहता था और हमेशा जो प्रॉमिस उसने अपने आप से किया था कि वहां पर पहुंचना ही है तो वो उसने कर कर भी दिखाया था एज soon एज पॉसिबल आई प्रेजेंटेड myself before बिफोर द teacher टीचर फॉर असाइनमेंट टू अ क्लास Having been so long without proper food, a bath, a change of clothing, I did not, of course, make a very favourable impression upon her, and I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. For sometimes she did not refuse to admit me, nor did she decide in my favour, and I continued to linger about her and to impress her in all the ways I could with my, ab. एज सुन एज जैसा ही जल्दी से जल्दी जो पॉसिबल होना था तो मैंने अपने आप को प्रेजेंट कर दिया ठीक है किसके आगे हेड हाँ टीचर क्या आगे असाइनमेंट्स के लिए ठीक है ताकि क्लास के असाइनमेंट्स थे उनके लिए अपने आप को प्रेजेंट कर दिया अब वहां पर वो क्या देख रहे हैं मुझे हैविंग बीन सो लॉन्ग विदाउट प्रॉपर फूड क्योंकि मेरे को तो प्रॉपर फूड भी नहीं मिला मैंने नहाया भी नहीं था अपने चेंज क्लोथ भी नहीं किए थे तो आई डिड नॉट नो ठीक है मुझे पता भी नहीं था कि ये चीज़ें करनी थी और जैसे ही मैं उनके आगे प्रेजेंट होता हूँ अपना बताता हूँ कि मेरा फेवर करो मैं पढ़ना चाहता हूँ इस तरह से मैंने जो अपना ओपिनियन था जो मेरे माइंड में था तो उन चीज़ों को रख दिया तो एडमिट कर लिया मुझे एज अ स्टूडेंट्स और कुछ टाइम के बाद शी डिड नॉट रिफ्यूज टू एडमिट मी ठीक है और कुछ टाइम के बाद तो मना ही नहीं कर पाई और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि यह बच्चा यहीं पर पढ़ेगा कंटिन्यू टू लिंगर अबाउट हर एंड टू इम्प्रेस हर इन ऑल द वेज और मैं वैसे ही उनको इम्प्रेस करता रहा अपनी बातों से और अपनी चीज़ों से जैसे उन्होंने मुझे देखा था तो देखने के बाद क्या होता है बच्चे जो टीचर्स होती हैं पढ़ने वाले बच्चों से हमेशा इम्प्रेस ही होती हैं तो वैसा ही उसके साथ भी हो रहा था and what in as in the meantime i saw her admitting other students and that ad added greatly to my discomfort after some hours had passed the head teacher said to me the adjoining residence room needs sweepings take the broom and sweep it ab wahan par kya hota hai bachche kuch time ke baad hi तो देखा उन्होंने saw कि मैं देखता हूँ सबको कि I saw her admitting other students की वो धीरे धीरे दूसरे बच्चों को भी admit कर रही हैं और एड इट ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट और मेरा देख रहे हैं कि किस तरह से मैं डिस्कम्फर्ट हो रहा हूँ कुछ घंटे के बाद ही जैसे मैं वहां पहुंच जाता हूँ कुछ घंटे बीते ही थे जो हेड टीचर होती है वो वहां पर आती है और मेरे को क्या बोलती है कि किस रूम के अंदर वहां पर झाड़ू वगैरह लगाने की जरूरत है अपनी झाड़ू लेकर वहां पर आ जाओ और सफाई कर दो इट ऑकर टू मी एट वंस दैट हेयर वॉज माई चांस नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर्स विद मोर डीट आई न्यू दैट आई कुड स्वीप और मिसेस रफनर्स हैड थ्रोली टॉट मी हाउ टू डू दैट व्हेन आई लिव विद हर तो जैसा कि मुझे मिस्टर रफनर जो थी मिसिज रफनर जो जिनके साथ उन्होंने काम किया था बच्चे तो उन्होंने सब कुछ सिखा रखा था उसको तो वो जैसे उन्होंने काम बताया तो उनको लगा चलो कोई बात नहीं मैं काम कर दूंगा इनका और मुझे पढ़ने को मिलेगा तो खुश हो जाता है और वो उनको मना नहीं करता और चला जाता है Then I swept the recitation rooms three times. Then I got a dusting clothes and dusted it four times. All the woodwork around the walls, every bench, table, and desk, I went over four times with my dusting clothes. Besides, every piece of furniture had been moved and every clothes and corners in the room had been thoroughly cleaned i had the feeling that in a large measure my furniture depended upon the impression i made upon the teachers in the cleaning of that room when i was through i reported to the head teachers she knew just where to look for dirt she went into the room and inspected the floor and closet then she took her handkerchief and dropped it on the would work about the walls and over the table and benches when she was unable to find one bit of dust on the floor or a particle of dust on any of the furniture she quietly remarked, "I guess you will do to enter this institution." सो so, जैसे ही अब क्या करता है जैसे उसने सिखाया हो था मिसिज रेफनर ने उसको तो सेम ऐसे वो पूरा क्योंकि पूरा क्लीन करना वहां से सीख गया था कि चीजों को बार 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 अच्छे से साफ करना बिल्कुल जहां पर डस्ट भी नहीं होनी चाहिए तो वैसे उसने अब फटाफट गया और वहां पर पूरा रूम के अंदर झाड़ू वाड़ू लगा देता है सब प्रॉपर तरीके से एक डस्टिंग क्लोथ उठाता है और पूरी डस्ट को साफ कर देता है फोर टाइम्स ठीक है वुड वर्क पर पूरा वॉल्स को बेंच को टेबल डेस्क हर जगह से प्रॉपर तरीके से सफाई ठीक है अपने डस्टिंग क्लोथ के साथ फोर टाइम्स सफाई

कुछ भी नहीं मिला पिट ऑफ ऑन द फ्लोर ठीक है वहां पर कोई भी मतलब एक छोटा सा कर्न बोलते हैं ना बच्चे पार्टिकल ऑफ द डस्ट ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर वो भी उनको नहीं मिला और वो धीरे से क्या बोलती है मुझे ऐसा लगता है यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन कि तुम इंस, इंस्टीट्यूशन के अंदर एंटर करना चाहोगे तो इस तरह से वो आ, बोलती है उसको आई वॉज वन ऑफ द happiest souls on earth और जैसे उसने पूछा मुझसे कि तुम इसमें आना चाहोगे तो मैं सबसे हैप्पीस्ट सोल था अर्थ के ऊपर कितना प्यारा क्वेश्चन जो मुझे किसी ने पूछा ही नहीं और जो मैं चाहता हूँ रियली में जो मेरा एक एम है वो अब मुझसे पूछ लिया गया है द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज Examination and never did any youth pass an examination for entrance into Harvard or Yale that gave me more genuine satisfaction. I have passed several examinations since then, but I have always felt that. दिस वॉज द बेस्ट वन आई एवर पास और उसके बाद क्या होता है उसका एडमिशन हो जाता है और वह अच्छे से पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो एक्ट्रेंस होता है बच्चे एंट्रेंस जिसको बोलते हैं एग्जामिनेशन में बैठने के बाद तो उसको अच्छे से पास करता है ठीक है एंड हावड और ये लेट गेव हिम मोर जेनवन सेटिस्फेक्शन उसको देते हैं और उसके बाद वो पास कर लेता है सेवरल एग्जामिनेशन को और उसके बाद वो करता हुआ इन चीजों को जो एग्जामिनेशन किसी ने पास भी नहीं किया था वो भी वो धीरे धीरे सबको क्लियर करता हुआ जा रहा था द स्विपिंग ऑफ द रेसिटेशन Room in the manner that I did seems to have paved, and the way for me to get through Hamptons. Mrs. Mary F. Mackay, the head teachers offered me a position as a janitor. This, of course, I gladly accepted because it was a place where I could work out nearly all the cost of my boarding. The work was hard and taxing, but I stuck to it. I had a large number of rooms to care for and had to work late into the night. सेम टाइम आई हैड टू राइज बाई फोर ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग इन ऑर्डर टू बिल्ड द फायर है माई लेस इन ऑल माई करियर एट हेम्पटन एंड एवर सिंस आई हैव बीन आउट इन द वर्ल्ड मिस मैरी एफ मैके दै टीचर टू होम आई हैव रेफर्स प्रूव टू बी वन ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट उसके बाद क्या होता है बच्चे जो स्टोरी आगे चलती है तो स्वीपिंग ऑफ रेसिटेशन रूम था इन द मैनर दैट आई डेड सीम्स टू अप आउट और जो मैंने तरीका था मेरा हेम्पटन के अंदर उस रूम को साफ करने का तो उसी से इम्प्रेस हो गई थी मिसेस मैरी एफ मैके जो हैड टीचर थी और उन्होंने मुझे ऑफर कर दिया अ पोजिशन एज अ जेनिटर

और लार्ज नंबर ऑफ रूम्स टू केयर फॉर अब मैं वहां पर क्या करने लग गया हर एक रूम को साफ करने लग गया हैड टू वर्क लेट इन टू द नाइट और रात को मुझे काम करते करते देर भी हो जाती थी लेकिन मैं काम करता रहता था और सुबह उठकर जल्दी से पढ़ भी लेता था आई हैड टू राइज बाई फोर ओ क्लॉक इन द मॉर्निंग इन ऑर्डर टू बिल्ड द फायर एंड अ लिटिल टाइम इन विज द प्रिपेयर माई लेसन क्योंकि मुझे अपने लेसन प्रिपेयर करने होते थे जो मेरा करियर था बच्चे हैम्पटन के अंदर वो कैसा रहा वो बहुत ऐसा रहा अमेजिंग वर्ल्ड के अंदर जैसा अमेजिंग फील होता है वैसा ही मुझे फील हो रहा था एंड मिसिज मैरी एफ जो मैके थी हेड टीचर I had referred और मुझे refer कर दिया गया था कहाँ पर proved to be one of my strongest

एंड द मोर आई एम कन्विंस्ड दैट देर इज नो एजुकेशन विच वन कैन गेट फ्राम बुक्स एंड कोस्टली अपेन्ट्स दैट इज इक्वल टू दैट विच कैन गॉटन फ्राम कॉन्टेक्ट विद ग्रेट मैन एंड वीमैन इंस्टेड ऑफ स्टडिंग बुक्स सो कॉन्स्टेंटली हाउ आई विश दैट आर स्कूल एंड कॉलेज माइ लर्न टू स्टडी पीपल ट्रू लेकिन मैंने क्या चीजें सीखी मैंने ये सीखा कि कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि हम बुक के थ्रू या एडुकेशन से ही सीखें हम किसी के थ्रू भी कोई चीज सीख सकते हैं हमें कोई अगर लाइफ में ग्रेट मैन मिल जाता है वीमेन मिल जाती है तो वो भी हमारे लिए कहीं ना कहीं सीख बनती है और हमें अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाती है ऑफ बुक्स के थ्रू ऐसा नहीं हमेशा सिर्फ बुक से ही पर हमें ज्ञान मिलता है नॉलेज मिलती है ऐसा कुछ नहीं है लेकिन हमें दूसरों से सीखने को भी हमेशा मिलता ही रहता है और उनके थ्रू हम बहुत सारी चीजें सीखते हैं लाइफ एट हैम्पटन वॉज अ कॉन्स्टेंट रेलिवेशन टू मी इट वॉज कॉन्स्टेंटली टेकिंग मी इन टू अ न्यू वर्ल्ड द मैटर ऑफ रेगुलर आवर्स Of eating on a tablecloth, using a napkin, the use of bathtub and of the toothbrush, as well as the use of sheets upon the bed were all new to me. अब मेरे लिए तो सब चीजें नहीं थी क्योंकि मैं वहाँ पे सफाई के साथ और चीजें भी सीख रहा था कैसे खाना खाना चाहिए कैसे टेबल क्लॉथ को बिछाना चाहिए कैसे नैपकिन को यूज करते हैं कैसे बाथट को यूज किया जाता है टूथब्रश कैसे की जाती है तो ये सब चीजें मेरे लिए बहुत नई थी और मैं ये सब चीजें सीख रहा था वहाँ पर आई समटाइम्स फील दैट ऑलमोस्ट द मोस्ट वैल्यूएल लेसन आई गॉट एट द देंटन इंस्टीट्यूट वॉज इन द यूज़ एंड वैल्यू ऑफ द बाथ आई लर्न दैट there for the first time some of its value not only in keeping the body healthy but in inspiring self respect and promoting virtue in all my travels in the south and elsewhere since leaving hampton's i have always in some way sought my daily bath to get it sometimes when i have been the guest of my own people in a single roomed cabin has not always been easy to do

इन वैल्यू को जाना और जिससे हमारी जो बॉडी होती है वो हेल्दी बनी रहती है हम सेल्फ रिस्पेक्ट करना सीखते हैं अपने वर्च्यू को प्रमोट करते हैं ठीक है तो ये सारी चीज़ें मेरे ट्रैवल्स के अंदर मैंने यहाँ पर देखी और सब चीज़ें मैं ट्रैवल करता हुआ इन चीज़ों को सीखता हुआ डेली बात की वैल्यू को समझना यहाँ पर मैंने इन चीज़ों को सीखते हुए सिंगल रूम्ड कैबिन के अंदर हैज़ नॉट ऑलवेज़ बीन ईजी टू डू कि ये चीजें करनी भी चाहिए अब वहां पर ये सब तो सीख ही रहे थे लेकिन साथ में वो पढ़ाई को भी अपनी कंटिन्यू बनाए हुए थे फॉर सम टाइम्स समाइम वाइल्ड स्टूडेंट एट हैम्पटन आई पोजेस्ट बट अ सिंगल पेयर ऑफ सॉक्स बट वेन आई हैड होम दी स्टिल दे बिकेम सॉइल्ड आई वुड वॉश डेम एट नाइट एंड हैंग बाय द फायर टू ड्राई सो दैट आई माइट वियर दैम अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग अब कुछ टाइम के बाद क्या होता है फॉर सम टाइम वाइल अ स्टूडेंट एट हैम्पटन्स के जो होते हैं बच्चे स्टूडेंट्स होते हैं तो आई प्रोजेस्ड बट अ सिंगल पेयर ऑफ सॉक्स ठीक है सिंगल पेयर ऑफ सॉक्स के लिए बट वेन आई हैड वॉन दीज विल दे बिकेम सोइल्ड मतलब बच्चे सॉक्स पहनते ना बच्चे तो वो भी चाहता था कि मैं भी सॉक्स पहनू इस तरह से तो पेयर ऑफ सॉक्स के लिए वो बोलता है उनको आई वुड वॉश them एट नाइट एंड हैंग them बाय द फायर टू ड्राई अब क्या करता था क्योंकि उसके पास एक ही जोड़ी सॉक्स थी तो उनको रात को ही धो देता था और फिर सुखा देता था पूरी रात वो सूखती थी फिर सुबह उसको पहन लेता था आई माइट वियर दैम अगेन द नेक्स्ट मॉर्निंग द चार्ज फॉर माई बॉर्डिंग एट हेम्पटन वॉज टेन डॉलर पर मंथ I was expected to pay a part of this in cash and to work for the remainder to meet these cash payments. I had just fifty cents when I reached the institutions, aside from a very few dollars that my brother John was able to send me once in a while. I had no money with which to pay my boarding. I was determined from the first to make my work as a junior and valuables that my services would be indispensable. This I succeeded in doing to such an extent, and that I was soon informed that I would be allowed the full cost of my boarding in return for my work. The cost of tuition was $70 a year. This, of course, was wholly beyond my ability to provide. If I had been compelled to pay the $70 for tuition in addition to providing for my boarding, I would have been compelled to leave the Hampton School. After having been for a while at Hampton, I found myself in difficulty because I did not have books and clothing. Usually, however, I got around the troubles about books by borrowing from those who were more fortunate than myself. As to clothes, when I raised Hampton, I had particularly nothing. Everything that I possessed was in a small hand stature. and my anxiety about clothing was increased because of the fact that the school meter अब यहाँ पर वो अपनी पूरी जर्नी को शेयर कर रहे हैं बच्चे है ना कि कैसे कैसे उन्होंने कितनी चीज़ों को डिटरमाइन करते हुए और उनको फेस किया कैसे फेस किया उन्होंने जैसे वो काम करते रहे अब काम करने के बाद वहाँ हॉस्टल के अंदर रह रहे हैं अब पेमेंट तो उनको देनी ही पड़ेगी तो आई हैड जस्ट फिफ्टी सेंट्स ठीक है और मैं अपने इंस्टीट्यूशन में वहाँ पर फीस वगैरह भेजता था जो मुझे कैश में देनी होती थी एक्सेप्ट टू पे अ पार्ट ऑफ द इन कैश टू वर्क फॉर द रिमाइंडर अब यहाँ पर वो पैसे उनको अलग ट्यूशन फीस अलग देनी पड़ती थी वहाँ पे अपने हॉस्टल की बोर्डिंग की फ़ीस अलग देनी पड़ती थी अब वो काम करते करते उन चीज़ों को पे करते रहते थे उनके पास कई बार फीस नहीं होती थी तो कई बार काम ज़्यादा करते थे और ये चीज़ें फ़ेस करते हुए उनको कई बार बुक्स की प्रॉब्लम भी फेस हुई ये भी डिफ़िकल्टी उन्होंने फ़ेस की कि उन्होंने आई फाउंड माई सेल्फ इन डिफ़िकल्टी बिकॉज आई डिड नॉट हैव बुक्स एंड क्लोदिंग ना तो उसके पास कपड़े होते थे ना ही बुक्स होती थी अब वहाँ पर वो बोरो करते थे किसी से उधार लेते थे कुछ टाइम के लिए कि जो अच्छे होते थे उनसे तो उनसे थोड़ा टाइम के लिए बोरो कर लेते थे और क्लोथ्स को भी तो ऐसे ही वो बोरो करके और पहन भी लेते थे और साथ में क्या करते थे पढ़ भी लेते थे अपनी बुक से तो इस तरह से वो सब चीजों को एक चिंता और एक चिंतित एनोक्शिटी क्या होता है बच्चे चिंता ठीक है तो ऐसे चिंतित होते हुए अपनी चीजों के बारे में और धीरे धीरे अपनी चीजों को इंक्रीज करते चले गए बढ़ाते चले गए कि उनको पढ़ना है और फोकस्ड होते चले गए उन चीजों के लिए पर्सनली इंस्पेक्शन ऑफ द यंग मैन इन रैक्स To see that their clothes were clean, shoes had to be polished. There must be no buttons of the clothing and no grease spots. To wear one suit of the clothes continually while at work and in the schoolrooms, and at the same time keep it clean, was rather a hard problem for me to solve. It in some way I managed to get on till I riches learned that I was earnest and means to succeed. And then some of them were kind enough to see that I was partly supplied with second hand clothing that had been sent in barrels from the north. These barrels proved a blessing of hundreds of poor but deserving students. Without them I questioned whether I should ever have gotten and through Hamptons. तो पर और चीजें आगे उन्होंने डिस्कस की हैं कि धीरे धीरे वो सब चीजें साफ रहने लग गए हैं शूज़ भी खुले नहीं है सूट को कैसे पहनना चाहिए क्लोथ्स कैसे पहनने चाहिए एंड कंटिन्यूली उन चीजों को वो सीखते जा रहे थे वाई एट वर्क ठीक है जब वो स्कूल रूम के अंदर देखते थे ना तो वहां पर काम करते करते उन चीजों को सीख रहे थे कि अपने आपकी सफाई कैसे रखी जाती है हार्ड फॉर मी टू सॉल्व ठीक है लेकिन ये मेरे अंदर कैसी चीजें थी थोड़ी हार्ड प्रॉब्लम थी सॉल्व करने के लिए लेकिन मैं उन चीजों पर काम किए जा रहा था और मैनेज करता जा रहा था टिल द टीचर्स लर्न दैट आई वॉज अनेस्ट एंड मीन टू सक्सीड और टीचर्स मुझे ऑब्जर्व करती जा रही थी कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं कमा भी रहा हूँ और चीज़ों में अपना सक्सेस भी प्राप्त कर रहा हूँ सम ऑफ देम वर काइंड इनफ टू सी और कुछ कुछ ऐसे भी थे जो मेरे लिए काइंड भी थे और मुझे हमेशा सपोर्ट भी करते थे सेकेंड हैंड क्लोदिंग देते थे मुझे खाने का दे देते थे तो ये सब चीज़ें मेरे एक तरह से पूरा हेल्पफुल तरीके से मेरे को मैनेज करते रहते थे और मुझे प्रोवाइड भी कराते रहते थे When I first went to Hampton, I do not recall that I had ever slept in a bed that had two sheets on it. In those days, there were not many buildings there, and room was very precious. There were seven other boys in the same room with me, and most of them, however, students who had been there for some time. The sheets were quite a puzzle to me. The first night I slept under both of them, and the second night I slept on top of the both of them. बट बायॉचिंग द अदर बॉय आई लर्न माई लेव बीन ट्राइंग टू फॉलो इट अवर्स एंड टू टीच इट टू अदर्स अब धीरे धीरे क्या हो रहा था कि आई फर्स्ट वेंट टू हेमटन ठीक है जब वो हैम्पटन जा रहा था तो बता रहा है कि मैं जब वहां पहुंचा तो आई डू नॉट रिकॉल ठीक है मुझे कुछ याद नहीं था आई हैड एवर स्लैब्ड इन अ बैड कि मतलब मैं सोया भी हूँ कभी टू शीट्स पर और दोस्त डेज वो अब अपने दिनों को याद कर रहा है डेज देयर वर नॉट मेनी बिल्डिंग्स अब वहां पर पहले क्या होता था बच्चे बिल्डिंग्स ज़्यादा नहीं होती थी अब तो बहुत सारी बिल्डिंग आपको दिखती हैं तो पहले ज्यादा बिल्डिंग्स भी नहीं होती थी तो रूम भी बहुत प्रीशियस होते थे ठीक है थोड़े थोड़े रूम होते थे तो एक ही रूम के अंदर शेयर करना पड़ता था सेवन बॉयज सेम रूम के अंदर रहते थे और जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स होते थे वू हैड बीन देयर फॉर सम टाइम ठीक है कुछ कुछ टाइम के लिए रहते थे और जो शीट्स थी वर क्वाइट इन अ पजल टू मी और मुझे पजल भी करती रहती थी जो फर्स्ट नाइट थी ना जब मैं सोया था अंडर द बोथ ऑफ दैम वहां पर तो सेकेंड नाइट में मैं टॉप ऑफ द बोथ ऑफ दैम में सो गया ठीक है ऐसा लग रहा था ना ऊपर नीचे नहीं सो जाते बच्चे कि साथ साथ बच्चे सो रहे हैं कोई किसी के ऊपर आ जाता है कोई किसी के ऊपर जाता है तो ऐसे ही सेम करके मैंने वहाँ पर वो भी एक्सपीरियंस अपना शेयर किया तो इस तरह से है ना उसने अपना पूरा बताया बच्चे कि कैसे कैसे उन्होंने दूसरों से सीखा खुद भी तो सीखते रहे लेकिन हमेशा दूसरों से सीखने की कोशिश की तो वही चीज आपको भी करनी है है ना इस चैप्टर से बहुत अच्छी प्रेरणा लेनी है कि आपको भी दूसरों से अच्छी चीजें सीखनी है उनसे लर्न करते हुए और अपनी टीचिंग के मेथड को हमेशा आगे प्रोग्रेसिव बनाते रहना है और दिस इज एंड ऑफ द चैप्टर बच्चे और ये लिखा किसके थ्रू है बुकर टी वॉशिंगटन्स के थ्रू ठीक है तो इसको पढ़ेंगे चैप्टर को रीड आउट करेंगे दोबारा से और इससे रिलेट करते एक्सरसाइज बच्चे डू इट